राजधानी दिल्ली से एक खबर है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के 1000 जूनियर डॉक्टर की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। डॉक्टरों की मांग है कि अस्पताल में उनके रहने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं है और न ही उनके खाने के लिए कैंटीन ही है। और सबसे बड़ी मांग डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर है। महिला डॉक्टरों का कहना है कि वो अस्पताल में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो ओपीडी में जाना बंद कर देंगे। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता अभय पराशर, इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अभय, क्या इनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है? देखिए चित्रा, अभी तक मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त कल शाम करीब 4 बजे के बाद से जब ये हड़ताल शुरू हुई थी, 1000 जो रेजिडेंस डॉक्टर हैं वो पूरी तरीके से हड़ताल पर चले गए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है चित्रा कि एक हफ्ते पहले भी हड़ताल करने से पहले इन लोगों ने नोटिस दिया था कि अगर आप लोग हमारी मांग नहीं मानेंगे तो एक हफ्ते बाद आज के दिन हम पूरी तरीके से हड़ताल पर चले जाएंगे। 1000 डॉक्टर पूरी तरीके से हड़ताल पर हैं और जो यहाँ पर कमेटी है उनका ये बोलना है कि डॉक्टर्स की मांग को एक साथ अचानक से नहीं माना जा सकता, उसके लिए एक समय की जरूरत है, उसके लिए कुछ बैठक करनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर्स ने ये कहा कि काफी सारी उनकी मांग है, उनकी मांग ये है कि उन्हें जो सैलरी है वो सही टाइम पर नहीं मिलती, सुरक्षित वो अपने आप को यहाँ पर महसूस नहीं करते, और भी तमाम तरीके की उनकी मांगे हैं जिनके लिए, क्योंकि कई बार हमने ऐसा भी देखा है जब अस्पताल के अंदर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो कई बार जो परिजन होते हैं उनका गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क जाता है। इन तमाम पहलुओं पर उन्हें सुरक्षा भी चाहिए, टाइम पर सैलरी भी चाहिए, ये सारी बातें इन्होंने मांग की है। और डॉक्टर्स का बोलना है कि अचानक से अभी इन सारी मांगों को नहीं माना जा सकता, इनके लिए एक लंबे समय की जरूरत है। अब लेकिन ये सवाल कब तक हड़ताल ये करेंगे ये अभय, बिल्कुल सवाल यही उठता है कि अगर ये लोग इसी तरह से अपनी हड़ताल जारी रखते हैं तो अस्पताल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तो पूरी चरमरा जाएगी, क्योंकि 1000 इनकी तादाद है। तो क्या इस बारे में जल्द फैसला लेने की उम्मीद की जा रही है, या ये माना जाए कि अगर इस बारे में फैसला नहीं होता है तो इनकी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी? देखिए चित्रा, बिल्कुल अगर अब तक आज शाम तक अगर डॉक्टर्स की तरफ से जो यहाँ पर कमेटी है उनकी तरफ से अगर कोई आश्वासन दिया जाता है तो कोई उम्मीद की जा सकती है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि कल करीब 150 मरीज ऐसे थे चित्रा जो कि यहाँ पर इलाज कराने आए थे। सफदरजंग एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर अलग अलग अस्पताल, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, ना केवल दिल्ली बल्कि बाहर से भी यहाँ पर रेफर किए जाते हैं, और यहाँ पर करीब 150 जो मरीज थे कल वो बिना इलाज के यहाँ से वापस लौट गए थे, और आज सुबह से यहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है। हालांकि इमरजेंसी जो है उसमें किसी तरह की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, ओपीडी में जो यहाँ पर मरीज आते हैं उन्हें काफी दिक्कत है, लेकिन जो कमेटी है उनका बोलना है कि अचानक से सारी मांगे नहीं मानी जा सकती, कब तक मांगे मानेंगे और कब तक कोई बैठक होगी ये देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत शुक्रिया अभय इस पूरी जानकारी के लिए, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और आपको बता दें 1000 जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांगों पर विचार करने के लिए वक्त मांगा जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स इसके लिए तैयार नहीं, और इन सब के बीच जरा सोचिए उन मरीजों का क्या हाल हो रहा होगा जो इन अस्पतालों का रुख कर रहे होंगे।